गाइस वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मूंग दाल का हलवा। तो उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप देख सकते हैं। सूजी, बेसन, मूंग दाल पीस लिया है, देसी घी, इलायची और ड्राई फ्रूट्स। चाशनी के लिए हमें चाहिए चीनी। अब हमने ली है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया है देसी घी। देसी घी जब तक गर्म ना हो जाए उसको छोड़ देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं घी गर्म हो चुका है, तो अब उसमें हम डालेंगे सूजी। सूजी जब तक भूनेंगे जब तक थोड़ी सी ब्राउन ना हो जाए। देख सकते हैं ब्राउन हो रहा है ये। अब इसमें हम डालेंगे बेसन और दोनों को चलाएंगे अब 2 मिनट तक। 2 मिनट चलाने के बाद ये हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दाल की सूजी। अब दाल को पकाएंगे कम आँच पे आधे घंटे के लिए, जब तक दाल ब्राउन ना हो जाए। तो ये आधे घंटे बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। जब तक ये हो रहा है हम दूसरी गैस पर रखते हैं पानी चाशनी के लिए। इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी इलायची टेस्ट के लिए। इसमें आप डाल सकते हैं केसर भी अगर आपको डालना है तो, मैं नहीं डाल रही हूँ। और आप चीनी डाल दीजिएगा इसके साथ ही, इसको उबालना है। चाशनी हमारी हो चुकी है रेडी। अब इसको हम डाल देंगे हलवे में। चाशनी डालने के बाद आराम से चलाएं, हलवे में लम्स ना पड़े। चाशनी डालने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें ऊपर से डालेंगे आप ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स डाल के 2 मिनट बाद गैस बंद कर देना। हलवा आपका रेडी।